नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी के टेक एग्री। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धान की फसल में 65 से 70 दिन के बाद जब बालियां निकलने की समय होती है तो उसमें एक हॉफर नामक रस चूसक कीट लगते हैं जो हमारी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। पहले तो हमारी फसल बहुत अच्छी रहती है, हम लोग बहुत खुश रहते हैं कि हमारी फसल हरी भरी है, अच्छी है, बढ़िया पैदावार मिलेगी। लेकिन लास्ट में किसान भाइयों, रस चूसक जो कीट होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। यदि रस चूसक कीट फसलों में लग गए हैं तो समझ लीजिए हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद है, उसमें कोई पैदावार नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, रस चूसक कीट लगने से पहले ही हमको जो है रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए कोई अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जानूंगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है और इसका उपयोग किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, किस अवस्था में, किस स्टेज पर, कितने दिन बाद हमको करनी चाहिए इस इंसेक्टिसाइड का यूज, और इसके क्या क्या लक्षण हैं। ये हॉपर्स लग जाते हैं तो हमको किस प्रकार, क्या लक्षण है, कैसे हम जानेंगे कि हॉपर्स हमारी फसल में लग गए हैं। हॉपर होता क्या है? हॉपर देखिए दोस्तों, एक रस चूसक कीट होता है। इसको आम भाषा में कितने लोग मक्खी बोलते हैं कि धान में मक्खी या माछी लग गई है, या तोता लग गया है धान में, तो उसका इंसेक्टिसाइड उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि, चलिए किसान भाई देखते हैं कि हॉपर्स होता क्या है। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल भी के टेकेग्री को टेकेग्री पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कब इसका छिड़काव करना चाहिए और हॉपर्स क्या होते हैं, उसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले याद रहे, जब हमारी धान की फसल 65 से 70 दिन हो जाती है, उसके बाद जब उसमें बालियां आने का समय होता है, अर्थात 1 से 2% बालियां जो है निकल चुकी हों, तो उसी कंडीशन पर, उसी स्टेज पर हमको जो है किसी भी अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर देना चाहिए। और हाँ, यदि हम वेट करते हैं कि जब लगेगा हॉपर्स या तोता तब हम इसका स्प्रे करेंगे दवा का, तो किसान भाइयों यह पैदावार को कम कर देता है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही इसका उपयोग कर दें जिससे हॉपर्स लगने की समस्या न रहें, जिससे हमको अच्छी पैदावार मिल सके। तो हॉपर्स जब लग जाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो उस कंडीशन में जब हॉपर्स लग जाते हैं, वह तो पहली बार धीरे धीरे काम करते हैं। सबसे पहले पौधे के तने के निचले भाग से रस चूसना शुरू करते हैं हॉपर्स, और धीरे धीरे पूरा ऊपर तक पहुंच जाते हैं। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि निचले भाग से शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद आपकी जो पत्तियाँ होती हैं वह पीली पड़ने लगती हैं और पेड़ जो होते हैं सूखने लगते हैं, तब हमको पता लग जाता है कि हॉपर्स या तोता या माछी टिड्डा हमारे फसल में लग गए हैं। तो हॉपर्स होता क्या है? हॉपर जो है किसान भाई, एक रस चूसक कीट होता है जो धान की फसल के जो है तने के निचले भाग से रस चूसना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। यदि हम इसकी रोकथाम के लिए किसी निश्चित समय या लगने से पहले यदि इसका हम रोकथाम नहीं करते हैं तो यह हमारी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसका उपयोग जब धान की फसल में जो फ्रूट लगने लगते हैं या बालियां 1 से 2% निकल जाती है तभी इसका उपयोग हमको कर देना चाहिए। लगने के बाद उतना रिजल्ट नहीं देता है, लगने से पहले आप उपयोग कर देंगे तो आपकी फसल में रस चूसक कीट नहीं लगेंगे। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की इसकी रोकथाम के लिए किस दवा का उपयोग करें, कौन सी दवा हमारे लिए बेहतर होगी। तो किसान भाइयों, इसके रोकथाम के लिए एक आता है सिजेंटा कंपनी का करांटे नाम से दवा,
सिजेंटा कंपनी का कराटे। इसके हम जो देखते हैं इसमें कौन सा केमिकल या फार्मूला इसका क्या होता है, तो इसमें होता है लेमडा साई हेलोथ्रीन 5% ईसी, यह इसका केमिकल होता है लेमडा साई हेलोथ्रीन 5% ईसी। यही दवा है, इसका दवा आपको छिड़काव कर देना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड है। यह कंटेक्ट इसका उपयोग करने से करने के दो दिन एक दिन या एक घंटे बाद इसका असर जो होता है शुरू हो जाता है फसलों में, और उसके बाद जो रस चूसक कीट होते हैं वो तने के निचले भाग में जाते हैं, रस चूसने का प्रयास करते हैं, तो दवा का असर एक घंटे बाद शुरू हो जाता है। ज्यों ही रस चूसते हैं तुरंत इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है दवा का। तो दवा का जब इफ़ेक्ट पड़ जाता है तो जो हॉपर्स होते हैं वह खाना बनाना बंद कर देते हैं और अंडे देना जो है बंद कर देते हैं, उसके बाद ये भूख के कारण मर जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो हॉपर्स होता है वह रुक जाता है, हॉपर्स जो है अटैक नहीं कर पाते हैं धान की फसल में और हमको अच्छी पैदावार मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी मात्रा का छिड़काव करना है, एक टंकी में इसकी कितनी मात्रा पड़ेगी। तो किसान भाइयों, इसकी एक टंकी में आपको 20 ml प्रति टंकी पानी के हिसाब से 20 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर आपको छिड़काव करना चाहिए। और यदि इसमें कोई भी अलग से दवा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी फंगीसाइड कोई भी मिला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, इसके मार्केट में इसकी प्राइस क्या है। तो किसान भाइयों, इसकी मार्केट में प्राइस आप लोगों को 80 रुपये के लगभग में मिल जाएगी। तो यह रहा सिजेंटा कंपनी का कराटे इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह बहुत ही अच्छा हॉपर्स को कंट्रोल करने वाला इंसेक्टिसाइड है। तो आप लोग लगने से पहले ही फसलों में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका उपयोग जो है आप कई फसल में कर सकते हैं। जिस फसल में ही आपको हॉपर्स की समस्या हो या महीन कीड़ा जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड उड़ने वाले जो होते हैं फ्लाइज कीट के लिए भी यह बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड है। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।